अच्छा, मैं कल ज़ाहिर सोशल मीडिया देख रहा था तो एक चीज़ मेरी नज़र से गुजरी जो बहुत ही अजीब भी लगी, बुरी भी लगी, और पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो ये हरकत करते हैं। मैंने ग्राउंड में देखा कि सना जावेद ने अभी शादी की है शुएब मलिक से, अभी तो शादी भाई किसी का भी पर्सनल रीज़न होता है, अब वो कोई छिछोरा सा इंसान खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, उसमें कॉमेंट्री भी कर रहा है, और फिर बहुत ही फ़खर के साथ वो वीडियो आप उठा के सोशल मीडिया पर डालते हैं। अच्छा, ग्राउंड के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं था, किसी को गैरत नहीं थी जो उसको पीछे से हिलाता कि भाई ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, क्या अपनी बहन के साथ या अपने किसी घर की औरत के साथ नहीं करोगे, और सोशल मीडिया पर आप डालते हैं व्यूज़ के चक्कर में। बाहर के जो ममालिक होते हैं, अगर आप इंडिया की बात करें, दूसरे मुल्कों में बात करें, तो वहाँ पर बड़ा मजाक बनता है आपका, कोई आपको फ़खर से नहीं देखता, बड़ा एक मजाक बन रहा होता है जी अपने मुल्क में उतार रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, इमन आप भी बताइएगा, नसीम भाई आप भी बताइएगा, ये जो ट्रोलिंग होने लगती है किसी क्रिकेटर ने या किसी सेलिब्रिटी ने किसी शादी कर ली, अब शुएब मलिक ने सना जावेद से शादी कर ली, तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया और ये ट्रोलिंग कितना हर्ट करती? नहीं देखें, क्रिकेटर्स बेशक आप सेलिब्रिटीज़ हैं, आप उनके बारे में क्रिटिसिज्म कर सकते हैं उनके गेम पे, लेकिन आप उनकी पर्सनल लाइफ में इस तरह नहीं कर सकते। तो जिन्होंने भी ये हरकत की है उनके लिए तो सिर्फ एक ही वर्ड बनता है कि भाई आप लोगों को थोड़े से मैनर्स होने चाहिए कि आप लोग सोशल मीडिया को ये ना समझें कि आप उस पर कोई भी कॉन्टेंट डाल सकते हैं, आपको प्राइवेसी को मेनटेन रखना है प्लेयर्स की। नसीम भाई, हमारा मजाक ही उड़ा होता है, हमारे यहाँ खड़े होके जी वो उसने आवाज़ मारी हो मेरी तरफ देख ली और फिर करके अजीब हरकतें, ये अब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गया है। देखिए, आवाज़ तो क्राउड मार रहा है जो बहुत ही गलत है, उनका वो एक शुएब मलिक की अहली हैं, बहुत काबिल एहतराम है, हमारे मुल्क का बड़ा नाम है, आप ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर होता है कि आप अगर उस जगह पर क्राउड की तरफ ना जाओ तो बेहतर है, आप आके ज़रा थोड़ा सा ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहाँ आपका पूरा डगआउट है, आपके लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं अभी दे रहा हूं, फिर इंडिया का मीडिया कल कहेगा कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नसीम राजपूत ने ये कह दिया, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूं, जब हम 2005 के टूर पे गए थे इंडिया, तो वहां पर जो है वो एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे कि देखिए ये सेलिब्रिटीज़ बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ होते हैं। रवि शास्त्री की शादी हुई थी अमरता सिंह से, तो हम एक तकरीब में बैठे हुए थे, एक वो छोटा सा, तो उसने मुझे वो किस्सा सुनाया कि जब इन लोगों की अलहदगी हो गई थी तो एक तकरीब के अंदर रवि शास्त्री भी थे वहाँ पे, अमृता सिंह भी थी, तो अमृता सिंह अपने छोटे से डॉगी को लेकर आई हुई थी और वो उसको रवि रवि करके पुकार रही थी वहाँ पर ना, तो कहने का मकसद है वो उनका इंटरनल मामला है, अगर शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान कोई भी तकरार होती है वो दोनों मियाँ बीवी रहे हैं, अब वो उनका अपना इंटरनल मामला है, लेकिन हम लोगों को तहजीब का दायरा अपने हाथ में रखना चाहिए, हमारे क्राउड को ख़ास तौर पे, शुएब हमारा हीरो है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको एक बात, देखिए अपने कल्चर का आपको पता है, अगर आप जनरल स्टैंड के बाहर जाके खड़े हो गए तो वो कहते हैं ना जब बेरी होती है तो पत्थर तो आते हैं भाई। लेकिन भाई जितने भी इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, और दरख्वास्त ही कर सकता हूँ, यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ दरख्वास्त ही करूँगा कि भाई इस तरह की जो हरकतें होती है ना, इससे पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही होती है, और किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में क्या चीज़ें हैं आपको नहीं पता, आप बीच में अपनी टांग अड़ाने के लिए बैठे रहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई इस तरह इंटरफेरेंस करेगा तो फिर आपको पता चलेगा, इस तरह की चीज़ें ना किया करें जी, मुल्क की बदनामी होती है।